हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसी एंड ट्रेन। फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक जरूर करें, ताकि मुझे यह पता चल सके कि हाँ, मेरी मेहनत सक्सेसफुल हो रही है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे 12440 श्री गंगानगर हजूर साहिब नांदेड़ सुपर फास्ट एक्सप्रेस की। दोस्तों, यह एक साप्ताहिक सुपर फास्ट ट्रेन है जो कि सप्ताह में एक बार केवल शुक्रवार को चलेगी। उसके बाद अगर बात करें इस ट्रेन की कुल दूरी की, तो इस ट्रेन की कुल दूरी 1993 किलोमीटर की है। इस ट्रेन की यात्रा का कुल समय 34 घंटे 10 मिनट का है। अगर बात करें इस ट्रेन की एवरेज स्पीड की, तो इस ट्रेन की एवरेज स्पीड 58 किलोमीटर प्रति घंटा की है। अगर बात करूं इस ट्रेन के कोच की, तो इसमें एक 2 टियर AC कोच, 3 3 टियर AC कोच, 7 स्लीपर कोच, 4 जनरल कोच और 2 जनरेटर का सहित टोटल 17 कोच है। उसके बाद बात करें किराए की, तो श्री गंगानगर से हजूर साहिब नांदेड़ तक 2 टियर AC कोच का किराया 2828 रुपये है, 3 टियर AC कोच का किराया 1970 रुपये है, स्लीपर कोच का किराया 745 रुपये है और इसी प्रकार जनरल कोच का किराया 425 रुपये है। तो चलिए अब बात करते हैं इस ट्रेन के शेड्यूल के बारे में। तो यह ट्रेन श्रीगंगानगर जंक्शन से दोपहर 1:35 पर रवाना होगी और यह सादुलशहर 1:58 पर पहुंचेगी। यहां पर 2 मिनट के ठहराव के बाद यह 2 बजे रवाना होगी। उसके बाद यह हनुमानगढ़ जंक्शन दोपहर 2:35 पर पहुंचेगी और यह यहां 10 मिनट रुकने के बाद 2:45 पर रवाना होगी। इसी प्रकार यह समरिया 3:08 पर पहुंचेगी और यह यहां 2 मिनट रुकने के बाद 3:10 पर रवाना होगी। इसी प्रकार यह मंडी डबवाली 3:35 पर पहुंचेगी और यह यहां 2 मिनट रुकने के बाद 3:37 पर रवाना होगी। उसके बाद यह बठिंडा जंक्शन शाम 4:30 पर पहुंचेगी और यह यहां 25 मिनट रुकने के बाद 4:55 पर रवाना होगी। इसी प्रकार यह रामपुर फूल शाम 5:24 पर पहुंचेगी और यह यहां 2 मिनट रुकने के बाद 5:26 पर रवाना होगी। इसी प्रकार यह टापा 5:38 पर पहुंचेगी और यह यहां 2 मिनट रुकने के बाद 5:40 पर रवाना होगी। उसके बाद यह बरनाला 5:56 पर पहुंचेगी और यह यहां 2 मिनट रुकने के बाद 5:58 पर रवाना होगी। इसी प्रकार यह धुरी जंक्शन 6:30 पर पहुंचेगी और यह यहां 2 मिनट रुकने के बाद 6:32 पर रवाना होगी। इसी प्रकार यह संगरूर 6:46 पर पहुंचेगी और यह यहां 1 मिनट रुकने के बाद 6:47 पर रवाना होगी। उसके बाद यह जाखल जंक्शन 7:48 पर पहुंचेगी और यह यहां 4 मिनट रुकने के बाद 7:52 पर रवाना होगी। इसी प्रकार यह रोहतक जंक्शन 9:45 पर पहुंचेगी और यह यहां 2 मिनट रुकने के बाद 9:47 पर रवाना होगी। उसके बाद यह न्यू दिल्ली 11:15 पर पहुंचेगी और यह यहां 30 मिनट रुकने के बाद 11:45 पर रवाना होगी। इसी प्रकार यह मथुरा जंक्शन 1:33 पर पहुंचेगी और यह यहां 2 मिनट रुकने के बाद 1:35 पर रवाना होगी। उसके बाद यह आगरा सेंट्रल 2:20 पर पहुंचेगी और यह यहां 5 मिनट रुकने के बाद 2:25 पर रवाना होगी। इसी प्रकार यह ग्वालियर जंक्शन 4:16 पर पहुंचेगी और यह यहां 5 मिनट रुकने के बाद 4:21 पर रवाना होगी। उसके बाद यह झांसी जंक्शन 5:45 पर पहुंचेगी और यह यहां 10 मिनट रुकने के बाद 5:55 पर रवाना होगी। उसके बाद यह बीना जंक्शन 8:35 पर पहुंचेगी और यह यहां 5 मिनट रुकने के बाद 8:40 पर रवाना होगी। उसके बाद यह भोपाल जंक्शन 10:55 पर पहुंचेगी और यह यहां 10 मिनट रुकने के बाद 11:05 पर रवाना होगी। उसके बाद यह इटरसी जंक्शन 12:45 पर पहुंचेगी और यह यहां 5 मिनट रुकने के बाद 12:50 पर रवाना होगी। उसके बाद यह खंडवा जंक्शन 3:20 पर पहुंचेगी
और यह यहाँ 5 मिनट रुकने के बाद 3:25 पर रवाना होगी। उसके बाद यह मलकापुर जंक्शन 5:38 पर पहुँचेगी और यह यहाँ 2 मिनट रुकने के बाद 5:40 पर रवाना होगी। इसी प्रकार यह अकोला जंक्शन 7:05 पर पहुँचेगी और यह यहाँ 10 मिनट रुकने के बाद 7:15 पर रवाना होगी। उसके बाद यह वाशिम 8:29 पर पहुँचेगी और यह यहाँ 1 मिनट रुकने के बाद 8:30 पर रवाना होगी। उसके बाद यह हिंगोली डेक्कन 9:09 पर पहुँचेगी और यह यहाँ 1 मिनट रुकने के बाद 9:10 पर रवाना होगी। उसके बाद यह पूर्ण जंक्शन 10:30 पर पहुँचेगी और यह यहाँ 10 मिनट रुकने के बाद 10:40 पर रवाना होगी। उसके बाद यह फाइनली 11:45 पर हजूर साहिब नांदेड़ पहुँचेगी। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कॉमेंट जरूर करें और इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया ग्रुप में जरूर शेयर करें और इसे लाइक कर दे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।